मुंबई में खेल का मैदान जंग का अखाड़ा बनता जा रहा है। मुंबई के मलाड इलाके में नए बने खेल के मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने का फैसला राज्य के मंत्री और कांग्रेस नेता असलम शेख ने किया है, जिसका बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। देश के आजादी के पहले चाहे फिर मुगलों का आक्रमण देश में हो, अंग्रेजों का हमारे देश में आकर देश को चलाना हो, इन सारी बातों से सीखकर हमने संघर्ष करके आजादी ली। अब आजादी लेने के बाद में बड़े पैमाने पे देश में आप लोग देखते होंगे कि हमारे देश के जो वीरों का प्रतिमा लगना, उनके नाम से प्रकल्प को देना, ये सब क्योंकि हमारे देश को इन्होंने मुगलों के झंझट में से बाहर निकाला, मुगलों के शासन में से हम बाहर आ पाए, अंग्रेजों के शासन में से हम बाहर आ पाए, तो उन्हीं दिनों में राज्य करने वाले में एक टीपू सुल्तान का भी नाम आता है। तो अब ये कौन कर रहे हैं? वो विचारधारा को मानने वाले लोग ही कर रहे हैं, वो विचारधारा को मानने वाले लोग ही कर रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आप जैसे मीडिया के लोगों ने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का काम जो है वो तो हम करते ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कुछ करते हैं तो उसके ऊपर एक लेबल लग जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को बढ़ावा देती है और इस्लामिक विचारधाराओं का विरोध करते हैं। बिल्कुल हम इस्लामिक विचारधारा का विरोध नहीं करते, लेकिन जो गलत सोच वाले लोग हैं, जो समाज को हानि पहुंचाते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। ये नामकरण हो रहा है टीपू सुल्तान के नाम पे, और टीपू सुल्तान का जब नाम आता है तो एक बर्बर व्यक्ति जिसने हजारों की संख्या में हिंदुओं का नरसंहार और जबरन धर्मांतरण किया। महाराष्ट्र संतों की भूमि है, महाराष्ट्र ने अनगिनत महापुरुषों को जन्म दिया है। ये हम मानते हैं कि असलम शेख जो वहां के विधायक हैं वो जानबूझ करके हमारे मुंबई का वातावरण खराब करने का ये एक ऑर्गेनाइज्ड षड्यंत्र है। हम इसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसका घोर विरोध करती है। टीपू सुल्तान के नाम पर इवन कर्नाटका जहां के वो थे वहां पर भी उसका घोर विरोध होता है, तो महाराष्ट्र में क्यों? ये केवल और केवल इस समय वे पालक मंत्री हैं और कोरोना काल चल रहा है, उनको जवाबदार होना चाहिए। ऐसे समय पर केवल और केवल इस प्रकार का नामकरण करके हिंदुओं का परिहास करना, मजाक उड़ाने का ये कृत्य किया गया है। करोड़ों हिंदुओं का ये अपमान है।